लेकर लिए गए बड़े फैसले। वैक्सीनेशन स्लॉट ना मिलने से हुई परेशानी, दिल्ली सरकार ने किए निर्देश जारी। देश में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ता हुआ दिख रहा है। चीन और दूसरे देशों के हालातों को देखने के बाद अब लोगों ने बूस्टर डोज लगवाना भी शुरू कर दिया है। बिगड़ते हालातों को देख लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे तो आ रहे हैं, पर उनके स्लॉट्स बुक नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह वैक्सीन की सप्लाई में कमी बताई जा रही है। सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, शाहदरा, साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। अधिकारियों के अनुसार जनवरी एंड तक वैक्सीन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो सकती है और वैक्सीन सेंटर्स की भी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। अब हालातों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस पर एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, दिल्ली सरकार ने कोरोना के खतरे को कम करने के लिए 104 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा फंड देने का ऐलान किया है। बता दें, दिल्ली के अंदर कोरोना की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य निदेशालय को 104 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड देने का ऐलान किया, जिससे अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की कमी ना हो। उन्होंने अस्पतालों को भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार कोविड रिलेटेड सभी आवश्यकताओं को गो थ्रू और उसे स्वास्थ्य निदेशालयों के साथ डिस्कस करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मनीष सिसोदिया ने एक्शन प्लान बनाने के लिए सभी हॉस्पिटल्स को कोरोना रिलेटेड जरूरी डेटा उपलब्ध करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट BF7 विश्व के कई देशों में तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में कोरोना का नया वेरिएंट फैले या इससे किसी भी प्रकार की कोई आपात स्थिति पैदा हो, इससे निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। हमारे नागरिकों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमने सभी तैयारियों और संभावित मामलों को लेकर हॉस्पिटल्स को सतर्क रहने का आदेश दिया है। आपको बता दें, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार आज स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोरोना से रिलेटेड तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के साथ कई राज्यों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कोरोना से जुड़ी हर छोटी से बड़ी चीज पर ध्यान दिया जाएगा। मॉक ड्रिल का फोकस हॉस्पिटल्स में बेड्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, रेफरल रिसोर्सेज, टेस्टिंग क्षमता, मेडिकल मटेरियल की अवेलेबिलिटी, टेलीमेडिसिन सर्विसेज और ऑक्सीजन जैसी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल तैयारियों का माहौल कुछ ऐसा है। अभी हॉस्पिटल्स में 8000 कोविड बेड्स मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर इस संख्या को बढ़ाकर 36000 तक किया जा सकता है। मेडिकल ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी अभी 928 मेट्रिक टन है और 6000 ऑक्सीजन सिलेंडर रिजर्व में भी अवेलेबल है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहिए ऑन एयर भारत।